बड़वानी जिले के पाटी में आदिवासी व्यक्ति के साथ हुई मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मंगलवार शाम 5 बजे की घटना। बस स्टैंड पर संचालित पान दुकान संचालक रितेश वर्मा ने की मारपीट। जयसरा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजाल्दे ने कार्रवाई की मांग। वीडियो के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पाटी पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पाटी थाना क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश की सबसे व्यस्ततम आरटीओ परिवहन चेक पोस्ट बालसमूद पर इन दिनों परिवहन विभाग को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा, जिसकी वजह है यहां टोल ऑपरेशन करने वाली कंपनी की हठधर्मिता। यहां अक्सर कई बार लंबे लंबे ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं, तो कई बार छोटे यात्री वाहन और एम्बुलेंस तक को निकलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसी के चलते ड्राइवर के विवाद इतने हो जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन सब समस्याओं का कारण बैरियर पर गाड़ियों को तोलने वाले टोल काटों को ऑपरेट करने वाला सिस्टम संभालने वाली कंपनी की लापरवाही है, जिसके चलते कई सारे टोल कांटे बंद है। बंद पड़े टोल कांटों की वजह से अक्सर हालात बिगड़ते नजर आते हैं। बैरियर पर जो टोल कांटे चालू है उन पर ट्रैफिक का अत्यधिक भार हो जाने से लंबी लंबी कतारों के चलते कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। अलबत्ता आरटीओ विभाग अपना काम तो पूरी ताकत के साथ कर रहा है, वहीं इस समस्या के चलते सही ढंग से गाड़ियों की चेकिंग कई बार नहीं हो पाती और सरकार को बड़े राजस्व की हानि का सामना करना पड़ रहा है। आमजन जो यहां से गुजरते हैं वो भी खासे परेशान हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार टोल कांटों का ऑपरेशन संभालने वाली कंपनी अल्समैक्स मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड है। बीते 2 माह से कई कांटे बंद है और अभी इन्हें सुधारने में भी 2 माह लगेंगे, तो सरकार के राजस्व नुकसान होगा। क्या नाम है और यहाँ पे किस पद पर हैं? अमित चौधरी, चेक पोस्ट मैनेजर। सर, टोल ऑपरेटिंग की क्या स्थिति है इस समय? टोल ऑपरेटिंग तो चल ही रहा है, थोड़ी कांटों की कंडीशन खराब है, जो मेंटेनेंस चालू हो गया है। टोटल कितने कांटे लगे हैं? टोटल 18 कांटे हैं, जिसमें से कितने चालू हैं? जिसमें से 7 चालू है। कब से बंद किए लगभग कांटे? ये लगभग 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हो गया। हाँ। और अभी क्या हो रहा है काम? अभी मेंटेनेंस का काम चालू हो गया है। पूरे कांटे कब तक सुधर जाएंगे? पूरे कांटे तो 2 महीने का एस्टिमेट है। सर, यहाँ पर लगातार लाइन आर्डर की स्थिति बन जाती है, गाड़ियाँ जो है यहाँ लंबी लंबी कतार लग जाती है, ड्राइवर्स में विवाद होता है, छोटे सवारी वाहन कई बार अलबत्ता एम्बुलेंस तक फंस जाती है, टॉल ऑपरेशन की वजह से ये सारी जिम्मेदारियाँ जो हो रही है कंपनी ने, क्या कभी इसको ध्यान नहीं दिया? जल्दी से जल्दी कोशिश तो करते हैं जी हम तो। अच्छा। कि ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादा कभी ट्रैफिक हो जाता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए। टोल काटे वैसे पूरे चालू होना चाहिए? हाँ, वो तो है ही जी। टोल तो बंद है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन माना जाएगा? जिम्मेदार तो जी कंपनी है, उसमें तो क्या वो है। और सर, अब जो काटे पे 2 महीने से बंद है, वो लगातार 2 महीने के बाद भी क्या गारंटी की ठीक हो जाएंगे? नहीं, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का। मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हो गया जी। अच्छा। हाँ जी, जब बीते समय से जो बंद है उसमें जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा? अब उसके लिए तो उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, पर है तो जिम्मेदारी कंपनी की ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कब तक ठीक हो जाएंगे? काम चल गया जी मेंटेनेंस का, अब जल्दी से जल्दी मतलब यही है ठीक हो जाएंगे। क्या इनिशियल है? हिमांशु जैन, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। सर, ये आरटीओ चेक पोस्ट बालसमुद पे काफ़ी रश रहता है गाड़ियों का, इन दोनों की लगातार शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर कई सारे कांटे बंद होते हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है, कई बार लाइन आर्डर की स्थिति बनती है, कई बार ड्राइवर्स में विवाद हो जाता है, छोटी यात्री वाहनों को भी परेशान होना पड़ता है। क्या कुछ स्थिति बन रही है? ऐसे रेवेन्यू पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? जी, रेवेन्यू पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्या हालात है और क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है चूँकि यहाँ पे जो कांटे लगे हुए हैं, जो टोल कांटे लगे हुए हैं, वो अभी स्थिति उनकी बहुत ख़राब हो चुकी है। कंपनी को लगातार पत्राचार द्वारा, हमारे द्वारा समझाया जाता है कि आप इसको सही कराएं, चूँकि ये कंपनी के पार्ट है, कि प्राइवेट कंपनी का पार्ट है जो इन चीज़ों को मेंटेन करती है और ऑपरेशंस देखती है, तो जो भी सारी दिक्कतें होती हैं वो इनको ही मैनेज करना होता है। तो जो कांटे ख़राब हो चुके हैं उनको रिप्लेस होना है, या जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको भी सही कराना है, लेकिन यह कार अभी तक कराया नहीं गया है, इस कारण से ये सब समस्याएं आती हैं। तो मैनुअल चलाया जा रहा है उसकी जगह? मैनुअल चलाया जाता तो है। जो गाड़ियां बीच में से निकल रही है, बड़ी बड़े वाहन, तो उनके तो आरटीओ डिपार्टमेंट को फाइन या किसी तरह का चार्ज नहीं कर पा रहा? नहीं, बीच से नहीं निकलती हैं वो गाड़ियाँ,
उनको पूरा वेरीफाई करके ही वहाँ से निकाला जाता है, और पूरा जो कार्रवाई होती है शासकीय कार्रवाई, यदि उनमें कोई फॉल्ट होता है या कुछ होता है तो उसके अनुसार ही उनको वहाँ से निकाला जाता है। अगर वो ओवरसाइज होती हैं तो वो नॉर्मल लेन से नहीं निकल सकती, तो वो चालान भर के सेंटर से। सर, ये जो कांटे हैं इनका इफेक्ट क्या क्या आ रहा है? कांटे का सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये आ रहा है कि गाड़ियाँ जो हैं ओवरलोड चेक नहीं होता। कांटों का जो मेन मोटिव है कि अगर वाहन ओवरलोड है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। दूसरी बात है, टोल कांटों पे आने पर पेपर्स भी चेक किए जाते हैं वाहनों के, तो वो वाहनों के पेपर्स भी उतने रूप में चेक नहीं हो पाते। अगर ट्रैफिक ज़्यादा लगता है तो मैनुअल के थ्रू जल्दी ही वाहनों को निकालना पड़ता है। सर, लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है लगातार? ट्रैफिक जाम लग रहा है उसमें आरटीओ विभाग के जो कर्मचारी रहते हैं कंपनी का सपोर्ट करते हैं और उसको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करते हैं, और विवाद की स्थिति ना बने इसकी पूरी हमारी तरफ से कोशिश की जाती है। आरटीओ विभाग के कर्मचारी लगातार उस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, परंतु जो मुद्दे की समस्या है टोल कांटे, वह टोल कांटों की हमें सुधारने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। कुल मिलाकर के इसकी वजह से विभाग परेशान हो रहा है? विभाग भी परेशान हो रहा है, और सबसे बड़ी बात आम जनता परेशान हो रही है। ड्राइवर्स को भी बहुत टाइम लग जाता है, और जो उनके मूवमेंट के चक्कर में लेन में आगे आने की वजह से उनके बीच में विवाद होते हैं, तो कई गंभीर समस्याएं भी सामने आती हैं। टर्म्स कंडीशन के आधार पर इन्होंने आरटीओ विभाग को ये सब कुछ दुरुस्त करके देना चाहिए जी, तो क्या स्थिति बन रही है? अभी उनकी तरफ से हमने उनको पत्राचार के माध्यम से कई बार अवगत कराया है, उनके तरफ से सिर्फ यही आश्वासन मिलता जा रहा है कंपनी की तरफ से कि हम उसको जल्द से जल्द ठीक कराएंगे और आपकी ये समस्या को हम दूर करेंगे, परंतु वह चीज़ को काफ़ी समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब जल्दी उनको दुरुस्त कराना चाहिए व्यवस्था। आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।